what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। If you want to really see something that said, take a look at what happened. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रनिंग मेट यानी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के रूप में जेडी वेंस के नाम पर मोहर लगा दी है। जेडी वेंस साल 2022 में ओहायो से सेनेटर चुने गए थे। 39 साल के वेंस साल 2016 में अपनी किताब हिलबिली एगिली के पब्लिश होने के बाद से चर्चा में आए थे, जिसकी सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी। साथ ही इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। एक समय ट्रंप के कट्टर आलोचक रहे वेंस अब सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। जेडी वेंस ने मरीन कॉर्प्स में अमेरिका की सेवा भी की है। बताते चलें कि जेडी वेंस का भारत से भी एक खास नाता है। दरअसल वेंस की पत्नी भारतीय मूल की हैं, जिनका नाम उषा चिलुकुरी है। उषा वेंस भी चर्चा में आई जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके पति को अपना रनिंग मेट चुना। जैसे ही रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप ने ऐलान किया, जेडी वेंस और उनकी पत्नी एक साथ इस लम्हे को सेलिब्रेट करते दिखे। साल 1986 में जन्मी उषा वेंस का बचपन का नाम चिलुकुरी है। यही वजह है कि उन्हें उषा चिलुकुरी भी कहते हैं। उनका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से है। उषा ने येल और कैम्ब्रिज से डिग्री हासिल की है। उषा के माता पिता प्रवासी भारतीय हैं और दोनों प्रोफेसर हैं। उषा सैन फ्रांसिस्को के एक लॉ फर्म में कॉर्पोरेट वकील रही हैं। वे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ भी काम कर चुकी हैं। खास बात है कि जेडी वेंस ने अपनी हालिया कामयाबी का श्रेय अपनी पत्नी उषा को दिया। जेडी वेंस का कहना है कि वो अपनी पत्नी के सपोर्ट और गाइडेंस से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उषा का बैकग्राउंड अपने पति से काफी अलग होने के बावजूद वो अक्सर बड़े मौकों पर उनके साथ खड़ी दिखाई दी। खुद जेडी वेंस कई अवसरों पर अपनी पत्नी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। दोनों के बीच के बेहतर ट्यूनिंग की उनके साथ ही अक्सर उनकी मिसाल देते हैं। बताया जाता है कि उषा कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में पली बढ़ी हैं। वो 2014 तक डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य थी। उन्होंने ये लॉ स्कूल से पढ़ाई की। यहाँ पर उषा की मुलाकात जेडी वेंस से हुई। कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई। रिश्ते को एक नाम देने के लिए दोनों साल 2014 में शादी के बंधन में बंध गए। बताया जाता है कि एक अलग समारोह में दोनों ने हिंदू पंडित के सामने सात फेरे लेकर हिंदू तौर तरीकों से शादी की। उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें 2 साल की एक बेटी और 4 और 6 साल के 2 बेटे हैं। दोनों ने काफी लो प्रोफाइल जिंदगी जी है। ऐसे में अगर ट्रंप और वेंस की जोड़ी 5 नवंबर को होने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को जीत जाते हैं तो उषा वेंस सेकंड लेडी यानी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पत्नी का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी।